नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूं। मैं बच्चों का चेस्ट एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूं बीएलके हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। ये हमारे पास 14 मंथ्स का बेबी रेफर हुआ, जिसको कंप्लेंट्स थी कि सवेरे बच्चे ने मूंगफली खाई और उसके बाद बच्चे की सांस में दिक्कत शुरू हुई, जिसके बाद बच्चों के पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहे और उनको सही उपचार नहीं मिल पा रहा। सर, मेरा नाम हितेश कुमार, मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। मेरे बच्चे ने कल सुबह 9:30 बजे एक मूंगफली का दाना खा लिया तो वो सांस की नली में चला गया, और उसके बाद हमने बच्चे की इन्वेस्टिगेशंस करी जिसमें हमें शक था कि बच्चे के सांस के रास्ते में मूंगफली फंसी हुई है। तो डॉक्टर अंकित पारक जी ने एमरजेंसी में बच्चे को लिया और उन्होंने तुरंत आईसीयू के अंदर बच्चे को एडमिट करा के और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अभी मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली को निकालने के लिए हमने फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी करी, जो हमने थोड़ा सा सेडेशन देके अपने आईसीयू सेटअप में करी। उसमें हम मूंगफली जो थी बच्चे के सांस के रास्ते में फंसी हुई थी, उस मूंगफली को हमने डॉर्मियम बास्केट के जरिए फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप से निकाल दिया और उसके बाद बच्चे की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। सांस बेहतर हो गई, ऑक्सीजन लेवल्स ठीक हो गए, बच्चा अब बिल्कुल अच्छा है, खेल रहा है और बच्चे को हम अब डिस्चार्ज कर रहे हैं। थैंक यू।